हल्द्वानी में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे कलसिया नाला पूरी तरह से उफान पर है। कलसिया नाले के आसपास कई मकानों को भी काफ़ी खतरा हो गया है, वहीं कई मकान ध्वस्त भी हुए हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन, उन लोगों को समय से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इसके साथ ही उनके खाने के इंतज़ाम भी प्रशासन और पुलिस ने किए हैं, और लोगों का कहना है कि आज तक उन्हें कलसिया नाले का रुद्र रूप इतना था आज तक किसी ने नहीं देखा। उन्होंने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि कलसिया नाले ने भयभीत कर दिया है, और जिसके वजह से हर जगह सिर्फ चीख पुकार मच गई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पॉजिटिव जगह है जहाँ पर लोग बिल्कुल नालों के किनारे रह रहे हैं, उनको सारी टीमें लगी हुई हैं, पुलिस के माध्यम से भी उनको अनाउंस कराया जा रहा है और सभी स्कूलों को खुलवाकर उनको शिफ्ट कराया जा रहा है। तो जो क्या कहते हैं, जो किनारे देखिए, बिल्कुल अभी भी स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ पर आज तहसील साहब खुद भी लगे हुए थे और उन स्कूलों को खुलवाकर लोगों को शिफ्ट कराया गया। और अभी लगातार आपके माध्यम से भी यही अपील कर रही हूँ कि जो लोग नदी नालों के किनारे रह रहे हैं, वो मौसम का अलर्ट जारी है, अभी उन घरों में मत जाएं, अभी जो आश्रय स्थल है उन्हीं का सहारा लें। नुकसान हुआ यहाँ लोगों का, चीख पुकार मच गया था, बचाना मुश्किल पड़ गया, कई जानवर मरे इसमें, मुर्गियां बह गई, बकरियां बह गई, कुत्ते बच्चे मर गए मकानों के नीचे, और गाड़ियां टूट गई, गाड़ियां बह गई, स्कूटियां, और बड़ी होश में कि इतना पानी कैसे आ सकता है, इतना पहली बार बादल फटा है, हमने पहली लाइफ में देखा ऐसा बादल फटता हुआ। और हमारा गाधेरे का मंजर आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है, जो नाला था वो पूरी चौड़ाई में फैल गया यहाँ पर, और अभी भी यहाँ पर सुरक्षा में कोई भी नहीं है सर, और यहाँ पर सब अभी खतरे में। बहुत खतरनाक स्थिति थी कल, अब ऐसा गधेरा आप देख सकते हैं कैसा गधेरा आ रहा है, तो इतनी खतरनाक स्थिति बनी रहेगी। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी ग्लैंड टू ग्लैंड लाई जाए और घरों को वापस से बनाया जाए। ये रोड में नहीं चल पा रहा था, यहाँ कमर तक पानी था रोड में, मकान वकान डर है, और अब तो इतना डर हो गया कुछ मौसम में, इससे ज्यादा डर क्या होगा। सरकार ने हमारे लिए धर्मशाला की व्यवस्था करी है और कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में हमें कमरे दिए हैं रहने के लिए, तो अब देखते हैं कि स्थिति कब तक सामान्य होती है, और आगे तो अभी 2 दिन का अलर्ट और है।